सो हाय गाइज, मेरा नाम है अंशुमन एंड आज मेरे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं। तो भाई यार वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहना। चलिए बढ़ते हैं भाई अपने पहले अपडेट्स में। तो भाई हम लोग बात करने वाले हैं फुकरा इंसान के बारे में। तो भाई जो कि यार फुकरा इंसान है, उन्होंने यार भाई यार फाइनली रिप्लाई दे दिया है तारा भाई जोगिंदर के साथ में भाई पुणे सुपर स्टार को। एंड यस गाइज, अगर आपको नहीं पता है तो भाई ऐसे कुछ दिन पहले भाई जो कि पुणे सुपर स्टार है एंड भाई जो कि तारा भाई जोगिंदर है भाई वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर इनको कर रहे थे काफी ज्यादा ट्रोल। बट अभी के टाइम पर भाई फुकरा इंसान का जाता है रिप्लाई, जो कि उनके भाई रिकॉर्ड फुकरा इंसान चैनल पर आया है। तो मैं आपको दिखा देते यार इसका एक छोटा सा क्लिप भाई, वो क्या कुछ इसके रिगार्डिंग देखो। तारा भाई जोगिंदर भी लाइक 4 दिन शादी करवाई है मैंने अपनी बहन की और 400 दिन 400 रीले डाल के दिखाऊंगा। आई डोंट नो तारा भाई जोगिंदर को क्या हुआ एकदम से। वैसे तो मुझे पता है उनको क्या हुआ है, जो जोगिंदर भाई वहां पर इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं फुकरा इंसान तूने मेरे लिए ये कर दिया वो कर दिया, तू बड़ा आदमी हो गया, बिग बॉस जा के तू रिप्लाई नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, तूने पुनीत को फिसलाया। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो भाई, मुझे नहीं पढ़ना तुम्हारे ड्रामों में। भाई मैं ना एक ही चीज बोलूंगा, जो मुझे कहते ना ओ माय गॉड पुनीत एंड तारा भाई जोगिंदर ने फुकरा इंसान को रोस्ट कर दिया, मेरी बात समझो। पुनीत जैसे इंसान जो ये ऐसी वीडियोस डालता है, कच्छा मुंह पे डाल के वो गाने डाल रहा है, इस छपरे की बात पे अगर तुम भरोसा करते हो तो तुम भी वही हो। ओह माय गॉड वाओ पुनीत ने रोस्ट कर दिया फुकरा इंसान को, ऐसे ऐसे मुझे मैसेजेस भेज रहा, ट्वीट कर रहा है, ब्रो यू क्रेजी, इस इंसान की बात पे तुम भरोसा कर सकते हो तो भाई आई डोंट केयर, जो करना करो अपनी जिंदगी में, जो करो मेरे से दूर रहो भाई। तुम्हारे गली का जो गार्ड है उसके खुद के वर्ड है कि इन लोगों के अंदर बहुत घमंड है, ये लोग मेरे को खुद बोलते हैं कि हमारे घर कोई नहीं आना चाहिए। जोगिंदर भाई सुनो सुनो सुनो, ये बात पे मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि जितने सब्सक्राइबर हमारे घर आया हमारे साथ मिलके फोटोज डालिए व्लॉग्स डालिए, जिनके पास मेरे पापा का नंबर होगा, आई डोंट थिंक किसी भी यूट्यूबर से उतने लोग मिले होंगे, कोई भी यूट्यूबर इतने लोगों से मिला होगा या किसी के पापा का नंबर इतने लोगों के पास होगा। भाई मुझे पता है तेरे को बहुत गाली पड़ी इसलिए तूने रील डिलीट कर दी, बट सही बता रहा भाई मत कर जोगिंदर। ऑल्सो भाई फुकरा इंसान अपनी उसी वाली वीडियो में थोड़ा सा भाई सपोर्ट करते हुए दिखते हैं UK07 राइडर को। एंड अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताऊं कि भाई जो कि UK07 राइडर है, जब भाई वो आए थे यार बिग बॉस 17 से बाहर एंड भाई तब उनको यार काफी सारे लोग काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे एंड काफी भाई उनको यार पोक वगैरह भी कर रहे थे। बट अभी के टाइम पे भाई जो कि फुकरा इंसान है भाई वो करते हैं अपने इस वाली वीडियो में थोड़ा सा उनको सपोर्ट एंड वो क्या कुछ के भाई उनको सपोर्ट करते हुए देखो। ओके भाई, लोग मुझे पूछते हैं मैं मार्वल का फैन हूं कि डीसी का, मैं बोलता हूं डीसी का फैन। पूछो क्यों? पिछले एपिसोड में हरियाणा का बैटमैन आया था, ये एपिसोड में जोकर। आई फील यू के भाई शुड चेंज हिज कॉन्टेंट नाउ, मतलब दैट्स माई टेक ऑन इट, क्योंकि बहुत टाइम से वो अपने कॉन्टेंट के बेसिस पे रोस्ट भी हुए एंड फिर बिग बॉस में जो भी हुआ उसके बाद मुझे ऐसा लगता है एवरी वन इज अ नाइस गाय, मतलब हर इंसान अच्छा होता है। वो जो कवर फोटोज बार बार गाड़ी और वो दिखाना, मतलब उससे हटके ही शुड जस्ट स्विच फैमिली व्लॉगिंग और समथिंग डिफरेंट एंड देन ही शुड हैव अ न्यू स्टार्ट एंड बिल्ड हिज रेप्यूटेशन अगेन और वो पूरा एक सर्कल हिज ऑरा अगेन। आई फील कम बैक इज ऑलवेज greater than setback, मतलब सब यही बोलते हैं करते जाओ मेहनत। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट्स में। तो बात करते हैं रजत दलाल के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि भाई जो कि रजत दलाल है भाई वो हो चुके हैं अभी के टाइम पे अरेस्ट। बट भाई अरेस्ट के बाद भाई वो आ जाते हैं घर एंड होता क्या कि भाई जो कि यार कल था तो भाई वो कल रात यार कर रहे थे भाई अपने लाइव स्ट्रीम एंड उस पे भाई बताते हैं कि भाई वो अरेस्ट हुए एंड भाई अरेस्ट के अंदर भाई उनके साथ क्या कुछ हुआ भाई जेल के अंदर, तो उसके बारे में भाई वो कुछ बताते हैं। तो मैं उसका यार आपको छोटा सा क्लिप दिखा देता हूं भाई रजत दलाल का, वो क्या कुछ कहे देखो। मेरी अरेस्ट हो गई थी, मैं अरेस्टेड था, पर कुछ चीजें मेरे को ही जेल से आने के बाद सब निपटने के बाद पता चली हैं जो कि मैंने करी हैं वो मुझे पता ही नहीं था। एक जगह आया हुआ है कि मैंने किसी के मुंह पे पेशाब करा है, एक जगह आया मैंने ब्रूटली किसी को मारा है, और एक था मैंने किसी से स्टूल साफ कराया है। बिलो द बेल्ट जाने की चीजें मेरे को समझ नहीं आती क्या है। मैं भी भाई इंसान हूं और ये इंसानों वाले काम नहीं है, ये मेरे को बहुत अच्छे से चीज पता है। और FIR में क्या लिखा हुआ है? हाँ इतना लिखा हुआ है भाई। मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं गलत हूं और मैं गलत था तो मैं जेल से बाहर कैसे हूं, मेरे को बेल कैसे मिल गई? अगर मैंने कोई गुनाह करा है तो मैं जेल के अंदर होना चाहिए ना, मैं जेल के बाहर कैसे हूं? जो हमारा पुलिस प्रशासन है उसको भी सारी चीजें समझ में आती है, किसने क्या चीज करी है क्या नहीं करी। कोर्ट में हियरिंग हुई थी और जो मेरे ऊपर केस लगा था किडनैपिंग का, अपहरण का, 2-3 उसमें धाराएं और भी थी, उसमें बेल मिलने का कोई पॉइंट ही नहीं होता भाई। जो हमारे जज बैठे हैं माननीय हैं, उनको बहुत अच्छे से समझ में होती है क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। और क्या क्या चीजें थी एक बार देख लूं, लग गया था ना इतने था।
मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैंने कुछ करा होता तो मैं बाहर कैसे हो जाता ना? मेरे को बिना किसी नोटिस के पुलिस वालों ने उठाया, जो कि कानूनी रूप से जायज चीज नहीं थी। वहां पे एक जगह आया हुआ है कि मैंने मारपीट करी, भाई मेरे हाथों में बहुत अच्छी खासी जान होगी, अगर किसी को मारूंगा तो किसी के निशान तो आएगा ना। उस लड़के के पूरे शरीर पे एक निशान नहीं है, सिंगल एक निशान। और जो उसमें बोला हुआ है कि मैंने किसी की पसलियां तोड़ दी, अगर पसलियां टूटती हैं तो कहीं फ्रैक्चर होता है, कहीं निशान आता है, कहीं कलर तो चेंज होता है ना, उसमें सब कुछ एग्जैक्ट है। उसके घर वाले हियरिंग तक पे नहीं आए भाई, कि एक होता है ना पुलिस चौकी में। एंड बाकी गाइस, अगर आप लोग भाई रजत दलाल की पूरी लाइव स्ट्रीम देखना चाहते हो कि भाई उन्होंने लाइव स्ट्रीम में क्या कुछ कहा है एंड भाई क्या कुछ भाई वो बोले हैं, तो मैं आप सबको भाई दे दूंगा भाई, आप लोग ऊपर देख सकते हो। आपके पास भाई कोई यार ब्लैक लाइन में आ रहा होगा भाई, आप लोग उसको क्लिक करके देख सकते हो। एंड वैसे भाई मैं आपको यार सबको वीडियो के एंड में भी भाई दे दूंगा। एंड बाकी अगर हम लोग भाई रजत दलाल के बारे में बात कर रहे हैं तो भाई बात करते हैं फ्लाइंग बीट्स के बारे में। तो भाई क्या फ्लाइंग बीट्स की वजह से हो सकता है भाई रजत दलाल का बायकॉट एंड क्या आने वाला है भाई उनका एंड करियर जो कि भाई यूट्यूब का होने वाला है? तो भाई जो कि रजत दलाल भाई वो कर रहे हैं भाई YouTube वगैरह पे काफी बदमाशी एंड भाई उनको यार शेयर कर देते हैं भाई वो अपने यार सोशल मीडिया पेज पे। बट उसके बाद भाई जो कि यार फ्लाइंग बीट्स हैं भाई वो काफी एंग्री होते हैं भाई रजत दलाल पे एंड उसके बाद भाई वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी को शेयर करते हैं कुछ भाई बात करते हुए कुछ एंड भाई बायकॉट करते हुए। वो क्या कहे देखो आप। चीजों के बारे में बात थोड़ा कम करता हूं, बट मैंने अभी न्यूज चैनल्स होते हैं तो न्यूज देखी कि किसी एक बंदे ने जिम में रील बनी थी तो उसको पसंद नहीं आया, वो उठा लिया, फेस पे सुसू किया, मारा, एबडक्ट कर लिया। और शर्म की बात यह है कि कुछ बड़े क्रिएटर्स उसके साथ कोलैब कर रहे हैं कंटेंट के लिए। गुंडे हैं भाई ये लोग, इनको बॉयकॉट करना चाहिए, सोशल मीडिया से हटाना चाहिए। हम उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, मुझे बहुत शर्म आई है। इसके बारे में पहले कभी बात नहीं की क्योंकि जो क्रिएटर्स कोलैब कर रहे हैं वो अपने मित्र भाई हैं, तो अच्छा नहीं लगता कि समझ लो। बट बहुत गलत चीज़ है, मैं खुल के बोल रहा हूँ भाई, सारे व्यूज़ चैनल सब यहीं रह जाएगा। जब ऊपर जाएंगे तो ये लेके नहीं जाएंगे, ऊपर अपने कर्म लेके जाएंगे। और ये ऐसे कर्म लेके जाएंगे तो भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे भाई, ये मुझे नहीं पता। बहुत बहुत ज़्यादा शौक में हूँ मैं कि ये कहाँ पहुँच गए। हम गुंडों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं और जब वही हमारे परिवार में होता तो हमें तब समझ में आता है कि यार ये तो हमारे परिवार हमारे साथ ऐसा हो गया। और जितने भी गुंडे हैं ये सब हिंदू धर्म के वो बन चुके हैं, आजकल फेस बन चुके हैं और सारे गलत काम ये करते हैं। पंच महापाप होते हैं हिंदू धर्म में, हिंसा, हत्या, परस्त्रीगमन, शराब पीना, द्वित कीड़ा, जुआ खेलना और चोरी करना। और ये सारे ये सब कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं और अपने आप को बताते हैं कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। पंच महापाप करते हुए भी ये अपने आप को ग्लोरीफाई करते हैं। मतलब मैं बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ, कभी कुछ बोला नहीं मैंने, क्या बोलूँ। हम उस लायक नहीं है कि लोगों को ज्ञान दें, हमें खुद ही कुछ नहीं पता। लेकिन आज मेरा दिल बहुत दुखी और बहुत शौक हूँ भाई मैं। हाँ तो चलिए बाकी आज के लिए मेरे को बस कुछ ये अपडेट्स मिलते हैं एंड आई नो भाई यार आप सबको पसंद आए होंगे। एंड भाई अगर आपको पसंद आया तो यार सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, भाई एक सेकंड लगता है यार, कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।